दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं देश के चुनाव के अंदर हरियाणा के योगदान की। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत कर मोदी जी की झोली में डाली थी। मान लें कि हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सत्ता देश के अंदर दोबारा आई उसके अंदर, और हरियाणा को उसका परिणाम भी मिला कि हरियाणा से 3 नेता मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। एक उनके अंदर राव इंद्रजीत सिंह आज भी मंत्री हैं, दूसरे नेता कृष्ण पाल गुर्जर आज भी मंत्री हैं, और तीसरे नेता थे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया, वो भी मंत्री बने थे लेकिन उनकी सेहत और उम्र को देखते हुए बाद में उनको मंत्री पद से हटाया गया। यानी कि हरियाणा को पूरा अगर 10 सांसद दिए तो हरियाणा को पूरा मान सम्मान और स्थान भी मिला। जिस मुद्दे पर मैं चर्चा में हूं वो ये है कि जो 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उन 10 लोकसभा सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट रोहतक बन गई थी, क्योंकि रोहतक पर बहुत जबरदस्त कांटे की लड़ाई हुई थी। रोहतक संसदीय क्षेत्र पहली बार मान लें तो कई लगभग दशकों से जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का कब्जा चला रहा था, आप मान लें तो 1998 के बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार वहां चुनाव जीत रहा था, लेकिन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से वो रोहतक की सीट छीन ली थी। लगभग 7,500 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए थे पंडित अरविंद शर्मा, जो बहुजन समाज पार्टी से आए थे 2019 के चुनाव से पहले, और टिकट मिला और वो चुनाव जीते। 2014 के विधानसभा चुनाव में अरविंद शर्मा चुनाव लड़े थे, पहले लोकसभा का हारने के बाद उसके बाद वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए थे। आपको अरविंद शर्मा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाह रहा हूँ कि 2014 के अंदर अरविंद शर्मा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री के बतौर प्रत्याशी थे। 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे अरविंद शर्मा, एक पर जमानत जब्त हो गई थी और हारे तो दोनों सीटें थी लेकिन एक पर जमानत तक नहीं बचा पाए थे। उसके बाद उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में एंट्री की। लोकसभा चुनाव के लिए रोहतक से भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया और अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा का जो ताज था उसको हिला दिया, छीन लिया। अब जब 2024 की तैयारी है तो जब भी कभी बात चलती है तो कहा यह जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार इस समय पूरी तरह मजबूत है रोहतक संसदीय क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात यह चल रही है कि फैसला नहीं हो पा रहा कि क्या प्रत्याशी अरविंद शर्मा ही हो और या फिर नया कोई प्रत्याशी बने। राजनीतिक हवाएं तो ये बताती हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर ओम प्रकाश धनखड़ को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अगली वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूंगा धनखड़ साहब और मुख्यमंत्री जी के बारे में, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि यहां पर ओपी धनखड़ को चुनाव लड़वा दिया जाए। लेकिन एक हवाएं राजनीतिक सूत्र कुछ ये भी बताते हैं कि वहां पर बाबा बालकनाथ कैंडिडेट हों, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा भी रिपीट हो सकते हैं। अब मैं इन्हीं 3 नामों पर आपसे चर्चा करूंगा और बताऊंगा आपको कि आखिर भारतीय जनता पार्टी दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा परिवार की काट के लिए रोहतक में क्या समीकरण बना रही है। अगर अरविंद शर्मा की बात करें तो अरविंद शर्मा का तो सबसे बड़ा तो आप यही मान सकते हैं कि 2019 के चुनाव में अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को यानी कि हुड्डा परिवार को चुनौती दे दी थी, जबरदस्त वाली, और चुनौती भी ऐसी दी थी कि सीट छीन कर ले आए थे। दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव में हरा दिया था, उस रोहतक में हरा दिया था कि जिस रोहतक की चौधर के नाम पर हुड्डा परिवार चलता है। लेकिन अब अगर बात करते हैं तो अरविंद शर्मा के नाम पर क्या मोहर लग रही है, इसको लेकर कई प्रकार की ऊहापोह की स्थिति है, कई सवाल हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा को वहां से शिफ्ट किया जा सकता है किसी और लोकसभा में, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संभवतः अरविंद शर्मा पर दोबारा दाव खेल लिया जाए। लेकिन जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी अब की बार शायद ही दाव खेले। अरविंद शर्मा को अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो, और नहीं बनाया जाता है तो क्या हो सकता है, आपसे बात करूंगा। दूसरी बात, जो बात चल रही है ओम प्रकाश धनखड़ की, तो ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में आपको बताएं कि ओपी धनखड़ 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थे रोहतक संसदीय क्षेत्र से और बहुत बुरी तरह चुनाव हार गए थे। और अब जब 2024 है, राजनीतिक बातें तो ये बता रही है कि धनखड़ साहब का रोहतक को लेकर तो कोई मन है नहीं,
लेकिन मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि धनखड़ साहब को यहाँ पर अड़ा दिया जाए। और जो तीसरा नाम है, क्योंकि धनखड़ जी का मैंने बता दिया, तीसरा नाम है बाबा बालकनाथ का। रोहतक का जो महंत मस्तनाथ, जो विश्वविद्यालय है, मस्तनाथ पीठ है, उसके कर्ता धर्ता हैं, उसके संचालक हैं महंत बालकनाथ, बाबा बालकनाथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी और मोदी शाह और मनोहर इन सब के नज़दीक भी बहुत हैं। राजस्थान के अलवर से वो सांसद बन गए थे 2019 के चुनाव में। 2019 का चुनाव जीतने के बाद जब वो सांसद बन गए, उसके बाद जो 2023 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ, तो तिजारा से बाबा जी को टिकट दिया गया विधानसभा का सांसद होते हुए। विधायक बन गए, जीत गए चुनाव उसको भी, बाबा जी वो चुनाव भी जीत गए। और उसके बाद चर्चाएं चली कि बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बाबा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बाबा जी को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बाबा जी को नहीं बनाया गया राजस्थान में कुछ भी। और जो उनकी सीट थी अलवर की लोकसभा, उस सीट को अब दे दिया गया है वहां पर अलवर की लोकसभा को भूपेंद्र यादव जी को। भूपेंद्र यादव को वहां पर लोकसभा का टिकट मिल चुका है, तो मान लें अलवर पर बाबा जी की एंट्री खत्म हो गई। सांसद से विधायक बन गए थे तो वो उनका डिमोशन था, वो शायद कैसे रास आ रहा होगा। अब क्योंकि रोहतक से संपर्क है बाबा जी का, तो बात चल रही है कि क्या बाबा बालकनाथ को चुनाव लड़वा दिया जाए रोहतक लोकसभा का। और अगर रोहतक का लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए तो समीकरण क्या बन सकते हैं। बाबा बालकनाथ जो आते हैं वो आते हैं यादव समुदाय से। हालांकि कहा तो ये जाता है कि संत महात्माओं का कोई जाति और धर्म नहीं हुआ करता, लेकिन क्योंकि राजनीति के अंदर तो जाति की बात सबसे पहले आती है, जाति और समाज धर्म इन सब के आंकड़े पहले लगाए जाते हैं, तो बाबा जी आते हैं यादव समाज से। यादव समाज के होने के नाते कोसली विधानसभा सीट आती है रोहतक लोकसभा के अंदर, जो यादव बाहुल्य है। अगर बाकी आप देखें तो फिर बाकी और विधानसभा क्षेत्रों में यादव मतदाताओं की कोई एंट्री है नहीं। ऐसे में अगर बाबा जी को टिकट दिया जाता है, अगर एक कारण ये माना जाए कि एक बार इसी प्रकार से भगवाधारी श्रेयनाथ महाराज थे इसी मस्तनाथ पीठ के, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी को हरा दिया था चुनाव के अंदर। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि जो श्रेयनाथ थे, और वो जो समय का समय था विधानसभा चुनाव किलोई का, तो श्रेयनाथ जाट समाज से आते थे, और तमाम जगह ये बात चलाई थी कि एक तो भगवाधारी और दूसरा जाट समाज का ये मोडा बाबा, अगर कहीं बाबा को हरा दिया तो कहीं श्राप लगेगा, ये बात वहाँ की लोग बताते हैं कि उस समय चला करती थी। उस समय श्रेयनाथ जी ने हरा दिया था, उसके पीछे दो बातें जरूर थी कि वो जाट समाज से आते थे। सबसे प्रमुख बात ये थी, भगवाधारी तो आज बालकनाथ भी है और भगवाधारी श्रेयनाथ भी थे। लेकिन अगर अब बालकनाथ जी को टिकट दिया जाता है, तो एक तो आप मान लें कि राजनीति का वो वाला ढर्रा पुराना नहीं रहा, आज राजनीति बड़ी बदली बदली है। ठीक है, राम लहर है, राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा उसके सवार है मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन खासकर रोहतक जैसी लोकसभा सीट पर जाट मतदाताओं को बड़ी टीस है कि पिछली बार उनकी सीट निकल गई, अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर जाट मतदाता वोट नहीं देंगे। दूसरी बात अगर देखी जाएगी, तो दूसरी बात आप पिछले दिनों देखेंगे कि किस प्रकार से ब्राह्मण समाज के लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का सम्मान किया था, बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। और ब्राह्मण समाज के लिए जो मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, आज उसके तमाम कसीदे पड़े जाते हैं। मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता रहे थे कि अगर अरविंद शर्मा को रोहतक से काटा गया तो फिर ब्राह्मण मतदाता नाराज़ हो सकते हैं। हालांकि वो नेताजी तो मुझे यही बता रहे थे कि पूरे हरियाणा में कहीं थोड़ी बहुत ब्राह्मणों में नाराजगी है, लेकिन रोहतक लोकसभा पर मेरी बात भी हो रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि रोहतक में अगर अरविंद शर्मा का टिकट काटा गया तो फिर ब्राह्मण नाराज हो सकता है। ऐसे में क्या बालकनाथ काट हो सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा की, अगर उनको चुनाव लड़ाया जाए तो जाट मतदाता प्लस ब्राह्मण मतदाता प्लस हुड्डा की अपनी जो वहाँ पर फॉलोशिप है। तो इस मामले में आप माने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उहापोह वाली स्थिति है कि दीपेंद्र हुड्डा की काट कौन सी ढूंढी जाए। एक बड़ा सवाल यहाँ पर और आपको छोड़ कर जा रहा हूँ कि क्या दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव लड़ेंगे या हुड्डा परिवार से कोई और होंगे। राजनीतिक सूत्र तो बताते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको शायद ही लोकसभा का चुनाव लड़वाएं, क्योंकि पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। हरियाणा के अंदर वो स्थिति नहीं है कि जब अकेले में फिर राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस जीत पाए, इस लिहाज से कोई बड़ी बात नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सदस्य ही रहे, उनको रिजाइन ना हो और उनको लोकसभा चुनाव ना लड़ाया जाए। हुड्डा परिवार से कोई और हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हों, आशा हुड्डा हों, या फिर दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी श्वेता हों,
होंगी जरूर कोई हुड्डा परिवार से ही, और आपके पास मेरा सवाल ये है कि क्या हुड्डा परिवार की काट ओम प्रकाश धनखड़ हो सकते हैं, क्या हुड्डा परिवार की काट अरविंद शर्मा हो सकते हैं या बालकनाथ हो सकते हैं? बड़ा सवाल यह है कि क्या आपकी बार भारतीय जनता पार्टी अब की बार भी हरियाणा में 10 की 10 सीट जीत पाएगी? और बड़ा सवाल यह है कि रोहतक की चौधर के नाम पर राजनीति शुरू करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके लिए अब की बार ये प्रतिष्ठा का सवाल है सीट जीतना, क्या अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।